दोनों के बिना हमारा जीवन शून्य है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते। अगर कुछ संभव है सीखना तो खेलों, खेल ही एक ऐसा विषय है जिससे हम आपस में रहना, आपस में खेलना, आपस में मिलना और अपने आप में अपनी सामान्य दिनचर्या में इसको लाना। खेलों से जहां सद्भावना व आपसी एकता बढ़ती है, खिलाड़ियों में सिर्फ खेल की भावना होती है, वे जाति धर्म सीमा के बंधन से आजाद होते हैं। समाज के लोगों को खिलाड़ियों से भी सबक लेने की आवश्यकता है। जहां आज हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर किस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। कई बार जो चीजें नहीं होती हैं उनको भी सामने ला दिया जाता है, लेकिन हमारे खिलाड़ी भाइयों में वो बार बार गिरते हैं, पीछे हटते हैं, आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, आपस में करते हैं और उसके बाद फिर वैसे सब एक साथ जो है हो जाते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी यहाँ पर हम संकल्पित हैं और जल्दी ही हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार की ओर से स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से देहरादून में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण करेंगे। हमारी सरकार ने हर ग्राम सभा में स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना के अंतर्गत ओपन जिम खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।